Música हेलो दोस्तों मैं हूं काशिफ अंसारी स्वागत है आपका एम्बाइब अचीवर्स नेटवर्क पर करंट अफेयर्स पढ़ने का पुराना तरीका भूल जाइए अब बदल गया है अंदाज नए फॉर्मेट में सब कुछ नया है अब पढ़ाई होगी मजेदार और लर्निंग होगी शानदार रात के बच चुके हैं आठ और हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार सेशन के साथ तो जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सके जय

लेकिन आपकी क्लासेस को हमने नहीं रोका क्लासेस लगातार कंटिन्यू रखा और रोहित सर भी इक्वली बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और उम्मीद करता हूं कि उनकी क्लासेस भी आपको अच्छी लगी होंगी ठीक है क्योंकि बेटा करंट अफेयर्स मिस करना जो है, है। क्योंकि आपने जिस दिन सपोज किया कि क्लास नहीं ली और उसी दिन से कोई क्वेश्चन उठ के एग्जाम में आ गया तो भाई साहब मैं तो गिल्ड से मर जाऊंगा सच बता रहा हूं तो वो गिल्ड नहीं होना चाहिए कभी करंट अफेयर मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि करंट अफेयर्स के भाई साहब ऑलमोस्ट 20% परसेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और 20% परसेंट मतलब क्वेश्चन है।, है मतलब करवा भी सकता है या रुकवा भी सकता है हालांकि करंट अफेयर्स अगर बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि वो एक दिन में या एक महीने में पढ़ सकते हैं बिल्कुल नहीं करंट अफेयर्स एक ग्रेजुअल प्रोसेस है धीरे धीरे ऊपर बढ़ना होगा

तो जल्दी आ जाइए फटाफट आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और अगर अभी तक एम की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाइए और एम की ऐप को डाउनलोड करिए क्योंकि यहां की जो ए आई बेस्ड टेक्नोलॉजी है वो मदद करेगी आपकी तैयारी को बनाएगी महा तैयारी आपकी अचीवमेंट को बनेगी महा अचीवमेंट सारी किताबें लाइव हैं लाखों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दे सकते हैं आप अपना टेस्ट खुद क्रिएट कर सकते हैं अचीव जर्नी बना सकते हैं आप अपने डॉट्सएप पर हमसे सीधे डाउट क्लियरेंस कर सकते हैं व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ठीक है <coughs> तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स 13 जुलाई 2022। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर जो लेकर आई हैं मेरी सहयोगी एमबी न्यू पार्लियामेंट प्रोजेक्ट में एक और डेवलपमेंट प्रधानमंत्री मोदी ने किया ब्रॉन्स का बना एम्बलम कास्ट रिवील भारत ने किया इंटरपोल का चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन डेटाबेस ज्वाइन इस इनिशिएटिव के तहत बना दुनिया का अड़सठवा देश इंडियन आर्मी को मिलेगा एआई बेस्ड मैंड ट्रांसलेशन डिवाइस एलएसी पर चाइनीज सोल्जर से बातचीत होगी आसान आईआईएसएफ के शूटिंग वर्ल्ड कप में अर्जुन बबूता ने जीता गोल्ड हराया अमेरिका के लूकस कोरजेंकी को आरबीआई ने शुरू किया एक नया ट्रेड मैकेनिज्म अब आईएनआर में इंटरनेशनल ट्रेड होगा पॉसिबल चलिए उम्मीद करता हूं कि आपने हेडलाइंस आज की देख ली होंगी और आज की खबरों पर नजर डालते हैं सबसे पहले नजर डालते हैं जिस पर आज हमारे देश में काफी बवाल चल रहा है पिछले दो दिन से आइए समझते हैं बेटा कैटेगरी है नेशनल इंटरेस्ट की तो कैटेगरी है नेशनल इंटरेस्ट अशोका सिंबल टू क्राउन न्यू पार्लियमेंट है? आपको मालूम है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों ने सुनाई होगा जिसमें हमारे देश में नई पार्लियामेंट बन रही है प्रधानमंत्री का नया घर बन रहा है नया सेक्रेटेरिएट बन रहा है बहुत सारी नई चीजें बन रही हैं। अब हुआ ये कि जो नई पार्लियामेंट की हमारी बिल्डिंग है उसके टॉप पर आप देखेंगे तो अशोक स्तंभ ये हमारा जो आ, अशोक चिन्ह है इसे लगाया गया है आप सबको मालूम होगा ये अशोक चिन्ह जो है बेटा इसे जो है अशोका पिलर एट सारनाथ से लिया गया है इसके नीचे जो आप शब्द देखते हैं जिसे हम सत्यमेव जयते कहते हैं जो कि बेटा हमारा पाली में लिखा है उसे हमने जो है मुंडक उपनिषद से लिया है अब थोड़ा सा बेटा जो विवाद हुआ वो ये हुआ कि भाई साहब ये जो नया हमारा अशोक अशोका स्तंभ है इसमें कह रहे हैं कि इसमें जो शेर का मुंह है ये खुला हुआ दिख रहा है मतलब यहां पर शेर जो है रोर करता हुआ दिखाई दे रहा है गुस्से में दिखाई दे रहा है ठीक है इसको लेकर का काफी बवाल था तो इनका कहना है कि भैया ये पुरानी सरकार और नई सरकार के बीच का डिफरेंस है अब नई सरकार का जो शेयर है वो धाड़ता भी है जबकि पुरानी सरकार का जो शेयर था वो बिल्कुल शांत बैठा है ऐसे कुछ मीम्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा हालांकि इसको जिसने बनाया है उस उस व्यक्ति का कहना है कि यह जो फोटो है तो गलत एंगल से फोटो लेने की पहले, पहले जैसा ही है बस इसको जो है अलग तरीके से इसका एंगल फोटो लिया गया है इसलिए ऐसा दिख रहा है याद रखेगा तो एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि यह जो हमारा है इसको किसने डिजाइन किया है याद रखिएगा ठीक है तो आइए देखते हैं हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी द न्यू एम्बलम द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इट इज 6.5 मीटर हाई एंड मेड अप ऑफ ठीक है तो आप देख सकते हैं पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर इसे जो है नेशनल एम्बलम को लगाया गया है जिसकी हाइट करीब करीब साढ़े छ फिट के आसपास है साढ़े छह फिट के आसपास मतलब आप समझ रहे हैं इसकी हाइट पच्चीस फिट के आसपास है और ये पूरी तरह से ब्रॉन्ज से बना हुआ है ब्रॉन्स आप जानते हैं जिसे हम कांसा कहते हैं तो ब्रॉन्स से बना हुआ ये है और इसे हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर लगाया गया है और इसको अनवील किया है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब ने ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं तो आप यहां पर देखेंगे ठीक <coughs> है हाँ जी द न्यू बिल्डिंग विल हैव सिक्स ग्रेनाइट स्टैचूज ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज फोर गैलरीज ईच फॉर द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट थ्री सेरिमोनियल फोयर्स थ्री इंडिया गैलरीज एंड वन गैलरी तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें बहुत सारी नई चीजें लाई जा रही हैं बहुत सारी आधुनिक चीजें लाई जा रही हैं जिसमें इसमें जो है बेटा छह भारत की जो टॉप पर्सनालिटीज हैं उनकी फोटोज लगाई जाएंगी इसके अलावा संसद के दोनों सदन होंगे उसकी गैलरीज होंगी उसके अलावा जो है बेटा इंडिया गैलरी है उसके अलावा आपकी जो है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल गैलरी है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसके हिसाब से इसे दिखाया जाएगा ठीक है द न्यू बिल्डिंग फॉर द इंडियन पार्लियामेंट डिजाइंड बाई बिमल पटेल ऑफ एस सी पी डिजाइन अहमदाबाद इंक्लूड्स ट्राइंगुलर इन शेप एंड इनकॉर्पोरेट आर्किटेक्चुर अराउंड इंडिया ठीक है तो आप देख सकते हैं इसके जो डिजाइनर है वो है बिमल पटेल तो बिमल पटेल साहब इसके जो हैं डिजाइनर हैं और इन्होंने ट्रायंगुलर शेप में बेटा इसे नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाया है और नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जल्दी ही अनवील होगी क्योंकि जो पुरानी हमारी जो बिल्डिंग है ऐसा सरकार का कहना है वो काफी पुरानी हो चुकी है और धीरे धीरे जैसे कि संसद की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसको इंकॉर्पोरेट करना मुश्किल हो रहा है और आप जानते हैं कि आने वाले समय में 2026 के आसपास ऐसा ही माना जा रहा है कि संसद में जो सदस्यता है वो और ज्यादा भी बढ़ेगी याद रखिएगा ठीक है उदाहरण करना चाहिए साथ ही में ओम बिल्ला जी को 22 नहीं होना चाहिए जैसा कि आम लीडो अरे छोड़ो यार ये सब चलता रहता है ठीक है एनीवेज तो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग हमारे देश में उस पे जो है अशोका लगाया गया है ठीक है अब देखिएगा अब यहां पर आप देखेंगे अनलाइक द प्रेजेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग इज नो सेंट्रल हॉल एंड द लोकसभा चेंबर विल बी एबल टू हाउस मेंबर्स इन केस ऑफ अ सेशन ठीक है अब होता क्या है कि हमारे जो पुरानी पार्लियामेंट आप देखेंगे उसमें क्या है है एक एक लोकसभा एक राज्यसभा और एक जो है बेटा वो क्या है एक सेंट्रल हॉल है लेकिन इसमें जो है क्या किया गया सेंट्रल हॉल नहीं होगा जो लोकसभा है उसकी कैपेसिटी लोकसभा प्लस राज्यसभा से बढ़ाकर की गई है ताकि उसमें बारह लोग बैठ सके

एलोकेट uh, हुए थे लेकिन बाद में कुछ चेंजेस हुए कोविड नाइनटीन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो अब इसका जो टोटल एलोकेटेड बजट है वो करीब 1200 करोड़ के आसपास है और बिमल पटेल साहब जो है उन्होंने इसे डिजाइन किया है आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू जल्दी बताइए पहली खबर सबको क्लियर है हाँ जी <coughs> हां जी जल्दी बताइए फास्ट यार जल्दी से सब लोग जो है ना लाइक और शेयर करते रहा करो यार देखो तुम लोग जो है लाइक और शेयर नहीं करोगे तो टीचर जो होता है ना उसकी सारी जो ताकत होती है जो क्लास बनाने में टीचर एक मेहनत करता है उसकी मेहनत को जो है आपको मैं देख नहीं सकता आप मुझे नहीं आप और मैं सिर्फ एक दूसरे को ऐसे देख नहीं सकते हम सामने नहीं बैठे हैं तो लाइक बटन दिखा करके हमारे सेशन को शेयर करके आगे बढ़ाकर आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं ठीक है आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर ये देखिएगा नेशनल इंटरेस्ट से एक और खबर आ रही है नेशनल इंटरेस्ट से निक्सीज टू न्यू इंटरनेट एक्सचेंज टू बूस्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी इन वेस्ट बंगाल क्या बात है आपने बेटा आपने जो है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तो सुना होगा लेकिन इंटरनेट एक्सचेंजेस भी होते हैं ठीक है तो पश्चिम बंगाल आपको मालूम है भारत के ईस्टर्न स्टेट में एक राज्य है जिसे वेस्ट बंगाल कहते हैं अब वेस्ट बंगाल में दो इंटरनेट एक्सचेंज बनाए गए हैं याद रखिएगा ये निक्सी जो है बेटा एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये दो इंटरनेट एक्सचेंज बनाएगी वेस्ट बंगाल में ताकि वेस्ट बंगाल में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सके और लोगों को बेहतर इंटरनेट एक्सचेंजेस इंस्टॉल्ड बाय द नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया कहते हैं इन वेस्ट बंगाल दुर्गापुर एंड बर्धमान टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन द रीजन ठीक है सो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया जिसे निक्सी कहते हैं इसने दो इंटरनेट एक्सचेंज बनाए हैं एक तो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में दुर्गापुर सब लोग जानते होंगे बहुत ही फेमस है स्टील प्लांट के लिए और दूसरा बनाया गया है आपका बर्धमान जिले में ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी को और ब्रॉडबैंड सर्विसेज को बेहतर किया जा सके ठीक है तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ठीक है पूछा जा सकता है कहां पर बनाए हैं ठीक है आगे अब निक्सी के बारे में बात करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इट इज इनिशिएटिव अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विजन ऑफ 1000 डेज इट प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सचेंज थ्रू आउट द इंटरनेट डेटा इज एक्सचेंज अमंग द इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल्स डेटा सेंटर्स एंड सीडियंस ठीक है तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है निक्सी और ये जो है हमारा माइटी जिसे मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत काम करता है और याद रखिएगा इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी और ब्रॉडबैंड सर्विसेज को बेहतर किया जा सके तो दो नए डेटा एक्सचेंज इंटरनेट एक्सचेंज भारत में खोले गए पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर और बर्धमान में ठीक है बहुत ही बढ़िया शाबाश आगे बढ़ते हैं बहुत बढ़िया क्या बात है क्या बात है क्या बात है, क्या बात है? बहुत बहुत अच्छी खबर आ रही है ये इंटरपोल्स आई सी ऑन चाइल्ड सेक्स एब्यूज नाउ ठीक है अब देखो बेटा इंटरपोल के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्थान है मतलब कह सकते हैं ये पूरे दुनिया की पुलिस की एक सेंट्रल संस्थान है जिसे इंटरपोल कहते हैं जो कि फ्रांस के लियोन शहर में स्थित है अब इंटरपोल जो है दुनिया भर के क्राइम पे नजर रखती है ऑर्गेनाइज क्राइम पर और इसका जो है बेटा एक चीज है जिसका नाम है इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तो दुनिया भर में जो चाइल्ड के स, बच्चों के साथ सेक्सुअल होते हैं उसका एक डेटाबेस बनाता है और इसमें भारत जुड़ा है याद रखेगा अड़सठवें देश के रूप में सो so, इंटरपोल का जो आई है इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लाइटेशन डेटाबेस में उसमें सीबीआई ने एंट्री ले ली है और इस तरह से भारत बन गया है दुनिया का अड़सठ

तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसे आप सीबीआई कहते हैं वो हमारे भारत से इसकी नोडल एजेंसी होगी और याद रखिएगा भारत जो है बेटा वो सिक्सटी एट कंट्री बना है और चाइल्ड सेक्स एब्यूज इस समय दुनिया में एक बहुत ही बड़ा मैटर हो गया है याद रखिएगा दुनिया भर के देशों में खास तौर से आप देखेंगे साउथ ईस्टर्न कंट्रीज वगैरह में चाइल्ड सेक्स एब्यूज बहुत ज्यादा है भारत में इसको रोकने के लिए पॉस्को जैसे कानून भी बनाए गए हैं और आपको मालूम है कि भारत में चाइल्ड सेक्स एब्यूज करने पर फांसी तक की सजा होने के प्रावधान है याद रखिएगा ठीक है तो ये इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन डेटाबेस है ये आईसीएससी के नाम से जाना जाता है ये हमारा जो मैं बिल्कुल ठीक हूं आपेश साहब ठीक है ये हमारा जो है बेटा किसका है ये इंटरपोल का है और भारत इसमें जुड़ गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक है अब देखिएगा द डेटाबेस सर्व्स एज बोथ एन इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेटिव टूल

ेगा तो ये एक अच्छा स्टेप है और सीबीआई ने इसे अच्छा किया ज्वाइन किया है याद रखिएगा जी हां हाँ बिल्कुल सही है बेटा पॉक्सको भारत का बहुत ही पावरफुल कानून है जिसे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन के नाम से जाना जाता है बहुत बढ़िया यार अभी तक जो है लाइक और शेयर नहीं हो रहा है लगता है लोगों को यह नहीं मालूम था कि आज क्लास में लेने वाला हूं और आप लोग जो है अभी तक जल्दी से ज्वाइन नहीं हो रहे हैं इसमें मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है ठीक है तो फटाफट लाइक और शेयर होते रहना चाहिए ठीक है इंटरपोल की बात बारे में बात करें तो इंटरपोल की शुरुआत जो है सात सितंबर 1923 को हुई थी वियना ऑस्ट्रिया में तो वियना आपको मालूम है ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना एक आपसे क्वेश्चन है बताओ दुनिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन दुनिया के कौन से इंपॉर्टेंट संगठन है जिनका हेडक्वार्टर वियना में स्थित है आपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ठीक है क्लास खत्म होने के बाद तो दुनिया में कौन कौन से बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके वियना में हैं हालांकि इंटरपोल का हेडक्वार्टर जो है लियोन फ्रांस में है और इसके प्रेसिडेंट जो है वो अहमद नासिर अर राइसी साहब हैं याद रखिएगा ठीक है तो शुरुआत 1923 में हुई थी और ये इसकी शुरुआत ऑस्ट्रिया की राजधानी वियाना में हुई थी हालांकि इसका हेडक्वार्टर लियोन में है और इसके इस समय जो हेड है वो अहमद नासिर अल राइसी साहब हैं याद रखिएगा बहुत बढ़िया शाबाश क्लियर ओके आईसीएसई इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डेटाबेस ठीक है तो इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डेटाबेस आईसी डेटाबेस कहते हैं और ये इंटरपोल का डेटाबेस है जिसमें जुड़ गया है ठीक है हाँ जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ये देखिएगा भाई साहब एक न्यूज आ रही है कैटेगरी है हमारी जो है वो है ट्रेंडिंग ठीक है

तो आप देख सकते हैं ये 20 साल पहले इसे जो है खोजा था इस साइट को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की शुरुआत कब हुई थी जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में ऐसे मुझे जवाब मत दीजिएगा ठीक है जी कमेंट बॉक्स में में बताइए क्लास खत्म होने के बाद तो एक एंशियंट बुद्धिस्ट साइट जो से थी बीस साल पहले इसे खोज किया था और ये जो है बेटा भीमा रिवर के किनारे पर है आपके कालबुरागी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में यहां से बहुत सारी चीजें पाई गई हैं आइए दिखाते हैं तो अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस द सनाटी ठीक है राणा मंडल वॉर जोन वॉज फोर्टिफाइड एरिया स्प्रेड ओवर दो एकड़ फाइंडिंग्स क्या क्या मिला है तो यहां पर बेटा अशोका एडिक्ट मिले हैं एक बड़ा स्तूप मिला है जटाक स्टोरीज हैं, बहत्तर ड्रम स्लैब्स ऑफ धर्म चक्रास ब्रह्मनी इंस्क्रिप्शन विद वेरिड पेलियोग्राफिक फीचर्स और सात वहानास And of है? तो आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत सारी चीजें मिली हैं सबसे पहली चीज में आप देख सकते हैं यहाँ पर अशोक एडिक्ट मिले हैं। आपको मालूम है कि अशोका ने पूरे भारत में पिलर्स लगाए थे ताकि बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार किया जा सके एक महास्तूप मिला स्तूप आपको मालूम है जो कि गौतम बुद्धा जी की डेथ को रिप्रेजेंट करता है उसके अलावा जटाग स्टोरीज है ठीक है बहत्तर डम स्लैब्स ऑफ धर्म चक्र है ठीक है धर्म प्रवर्तन जरा याद करिएगा बेटा एक बहुत ही आपको पढ़ाया था था जी ने जब अपना सबसे पहला भाषण दिया था, वन में ठीक है डियर पार्क में सारनाथ में सारनाथ उसके अलावा पर इंस्क्रिप्शन मिले हैं इस्तेमाल होता था और सात यूनिक डिस्क्रिप्शन आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में जब तो दक्षिण भारत में जो है एक साम्राज्य होता है जिसे सात वाहना कहते हैं क्योंकि मौर्य एम्पायर के बाद नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारे छोटे मोटे साम्राज्य आ गए थे जैसे इंडो ग्रीक्स है आपका आ गया था ठीक है आपका शाकाज आ गया था पार्थियन आ गए थे कुशानाज आए थे वैसे साउथ इंडिया में जो है आप देखेंगे वहां पर जो है आपके सात हुआ करते थे ठीक है जल्दी बताइएगा क्लियर टू ऑल ऑफ यू हां जी तो काल बुरागी ठीक है भीमा डिवर बहुत बढ़िया जल्दी बताओ बहुत बढ़िया क्लियर है फास्ट ओके जल्दी जल्दी सुप्रिया बहुत बढ़िया शाबाश बताते रहिए क्लियर होता जा रहा है सब लोग बहुत अच्छे ठीक है ओके okay, आगे देखिए अगली खबर पर आते हैं कैटेगरी है हमारी ऑपरेशन डिफेंस सून ए आई बेस्ड मैंडरिंग ट्रांसलेशन डिवाइस फॉर द ट्रूप्स ऑन एल ए सी बहुत इंपॉर्टेंट है एल ए सी तो आप जानते हैं जिसे बेटा हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो मेजर बॉर्डर है उसे एल ओ सी कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल जबकि इंडिया और चाइना के बीच जो ईस्टर्न कंट्रोल ईस्टर्न सेक्टर में बॉर्डर है उसे एल कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको चाइना कभी भी स्वीकार नहीं करता है और आए दिन एल पर वायोलेशंस होते हैं अब होता क्या है कि बहुत सारे रेडियो सिग्नल्स एल पर जो है हमारे देश की सेना जो है इंटरसेप्ट करती है जिसमें जो चाइनीज आर्मी है वो बहुत सारे षडयंत्र वगैरह रस्ती रहती है तो उनको इंटरसेप्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है तो बेटा ए आई बेस्ड जो है एक ट्रांसलेशन डिवाइस बनाई गई है जो मैंडरिन भाषा आपको मालूम होना चाहिए दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्पीकर्स दुनिया में मैंडरिन भाषा के हैं सेकेंड नंबर पे दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषा जो है बोली जाती है वो स्पेनॉल होती है आपको मालूम स्पेनॉल है फ्रेंच है ये सब भाषाएं यूनाइटेड नेशंस में भी उचलती हैं अब होता क्या है बच्चों तो ये मैंडरिन ट्रांसलेशन डिवाइस बनाई गई है जिससे क्या है कि हमारे जो ट्रूप्स हैं वो एल पर जो है जो गतिविधियां हो रही हैं और चाइना इस बॉर्डर की तरफ से कोई खबर आती है तो उसको तुरंत ट्रांसलेट कर सकते हैं तो इंडियन सोल्जर्स पेट्रोलिंग ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ठीक है हाँ जी वेन दे कम फेस टू फेस विद चाइनीज सोल्जर्स विल सून बी एबल टू अंडरस्टैंड मैंडर इन And reply back with the help of 600 gram based by an क्या बात है बहुत ही बढ़िया मतलब कहते हैं ना बेटा स्टार्टअप्स कई बार ऐसे काम करते हैं जिस पर हमें गर्व होना चाहिए और वाकई में एक बहुत अच्छा काम जो है एक भारतीय स्टार्टअप द्वारा किया गया है ठीक है तो भारतीय स्टार्टअप द्वारा बहुत बढ़िया काम किया गया है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो है इसको लगाया जाएगा ठीक है और 600 ग्राम का मात्र ये डिवाइस है जिस पे जो है चाइनीज आकर बोलते रहते हैं ना तो उनको सीधे जो है जवाब दिया जा सकता है समझ गए कि भैया क्या बतिया रहे हैं आपस में ठीक है उनको इंटरसेप्ट वगैरह भी हम कर सकते हैं आगे देखिएगा तो इट इज एन ऑफलाइन हैंडल्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन सिस्टम दैट वर्क बेस्ड ऑन ए इट इज बाई डायरेक्शनल विद रेंज ऑफ पांच से दस फिट

बहुत बहुत शुक्रिया पवन वशिष्ठ जी आपने हमें योग्य समझा कि हम आपके गुरु हैं बस हम इसी के हम इसी से खुश हो गए आपने मुझे जो है जिस तरह से आजकल YouTube पर और इंटरनेट पर शिक्षा को आप जानते हैं किस तरह से हो रही है हालांकि आप जानते हैं कि हमारी क्लास हमेशा से मतलब मैं मतलब मैं कमेंट नहीं करना चाहता लेकिन जिस तरह से आजकल शिक्षाएं हो रही हैं उससे बहुत ज़्यादा मैं कहते हैं ना इतफाक़ नहीं रखता सो होता क्या है कि आपने हमें गुरु समझा हम इतने ही बहुत हैं मैं अपने स्टूडेंटों से कहता हूँ कि मैं आपका मित्र नहीं हूँ बेटा मैं आपका दोस्त नहीं हूँ मैं आपका मित्र नहीं हूँ तो मुझसे आप कृपया करके दोस्ती वाली कोई बात ना करें मैं टीचर हूँ गुरु हूँ आप लोगों के लिए बड़ा भाई हूँ आप सब हमारे छोटे भाई बहन हैं और छोटे भाई जो हैं छोटे भाई बहन हैं और मैं बड़ा भाई हूँ और बड़ा भाई का एक अधिकार है कि वो मर्यादा में भी रहे और जो छोटे भाई बहन हैं उनको डांटता भी रहे ताकि वो जीवन में जो है ना एक लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए निकले हैं तो उस लक्ष्य को वो हासिल करें आपने आप एक मोबाइल लेते हैं उसमें आप इंटरनेट रिचार्ज कराते हैं खर्चा होता है अपनी आंखें फोड़ते हैं समय निकालते हैं तो मेरा यहाँ अधिकार है ये मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको शिक्षा दूँ ठीक है मैं आप मूवी दिखाने नहीं आया हूँ आपको शिक्षा देने आया हूँ और मैं आपका बिल्कुल दोस्त नहीं हूँ आई एम अ टीचर और मेरे लिए पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है तो भले ही क्लास में बच्चे कम हो कोई परेशानी नहीं मेरे को लेकिन जो आओ भैया पढ़ने के लिए आओ एम इज़ वेरी क्लियर अबाउट इट भैया हम पढ़ाएंगे फालतू बातें बिल्कुल नहीं होंगी है ना कोई भी ऐसी चीजें आ नहीं होंगी सिर्फ पढ़ाई होगी तो पढ़ाई करना है तो एम बाइफ के साथ जुड़े समय वेस्ट नहीं किया जाएगा आपका यह वादा है तो पवन वशिष्ठ आपने कहा कि आप हम मैं आपका गुरु हूं तो बिल्कुल अगर आपने मुझे गुरु माना है बस उतना ही हमारे लिए बहुत है यस पंकज बेटा याद रखिएगा पंकज जब तक एक डिफेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं या एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की जब तक बेटा खुद से इंसान ईमानदार नहीं होगा ना जब से खुद से डिसिप्लिन नहीं होगा जब तक कुछ नहीं होता रात भर कमरे की लाइट जल रही है और आप पड़े सो रहे हैं और माँ बाप को लग रहा है कि बच्चा कमरे के अंदर पढ़ रहा है तो उससे कोई फायदा नहीं है लेकिन रात भर कमरे की लाइट बंद है माँ बाप को लग रहा है बच्चा सो रहा है लेकिन आप लैम्प जला के पढ़ रहे हैं खुद के प्रति ईमानदार अगर आप हैं तो बहुत है तो आपको दुनिया के प्रति ईमानदार नहीं होना है खुद के प्रति ईमानदार होना है दुनिया को लगे ये बेकार है किसी योग्य नहीं है सो रहा है दिन भर सो रहा है बिल्कुल सो रहा हूं मैं आराम कर रहा हूं मैं सो नहीं रहा हूं और मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है मैं पढ़ रहा हूं नहीं पढ़ रहा हूं मैं खुद जानता हूं ठीक है बेटा तो पढ़िए लिखिए और आगे बढ़िए थैंक यू गोविंद थैंक यू थैंक यू आगे बढ़ते हैं ठीक <coughs> है आगे अब देखिए टेक इन फोकस ये देखिएगा अरे भाई साहब ये देखिएगा तो टेक इन फोकस है द रिसर्च फॉर द डार्क मैटर भाई साहब मैं कई बार आप लोगों को कहता हूं ना ये साइंटिस्ट जो है ना बेटा ये मतलब मानते नहीं है ये लगे हैं लगातार दुनिया में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, कुछ, ना कुछ. कहते हैं बेटा कि हमारा जो यूनिवर्स है ब्रह्मांड है उसके अंदर जो 80 परसेंट मैटर है ना वो डार्क मैटर है 80 परसेंट मैटर हमारे यूनिवर्स में डार्क मैटर है डार्क मैटर का मतलब होता है जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है अब हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो उसके पीछे पड़ गए हैं भाई साहब तो साइंटिस्ट सर्च देखिएगा साइंटिस्ट सर्च फॉर डार्क मैटर हैज लेड देम टू अ डार्क मैटर डिटेक्टर एक्सपेरिमेंट सिचुएटेड इन साउथ डकोटा इन दू एस इट इज दोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर डिटेक्टर इन द वर्ल्ड याद रखिएगा. ठीक है हाँ जी तो भाई साहब ये देखिए डिटेक्टर बना दिया साइंटिस्टों ने ठीक है यहाँ पर जो है साउथ डकोटा में है साउथ डकोटा आपको मालूम है यूएस में है तो साउथ डकोटा में यह है बनाया है बेटा ये डिटेक्टर है देखिएगा डार्क मैटर डिटेक्टर इसका नाम है लुक्स जेपलिन ठीक है इसे एल जेड के नाम से जाना गया है लुक्स जेप्लिन नाम रखा गया है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह जो है कहते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर डिटेक्टर ऑफ द वर्ल्ड है याद रखिए इसका नाम है लुक्स जेप्लिन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल में ही खबरों में रहा रुक्स जेप्लिन क्या है अब आप कहोगे सर क्या है लुक्स जेप्लिन कुछ नहीं है एक डार्क मैटर डिटेक्टर है याद रखिएगा ठीक है साउथ डकोटा में लगाया गया है तो डार्क मैटर ये देख सकते हैं ना बेटा हां जी डार्क मैटर इज अ काइंड ऑफ मैटर दैट इज दैट इज थॉट टू ऑक्यूपाई लिटिल मोर देन एटी परसेंट ऑफ द यूनिवर्स डार्क मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स दैट डू नॉट हैव अ चार्ज दीज पार्टिकल्स आर डार्क नेमली बिकॉज दे डू नॉट एमिट लाइट ठीक है <coughs> तो ऐसा कहना है कि ये वो मैटर है जो बेटा लाइट को एमिट नहीं करता है ठीक है इसीलिए इन्हें डार्क मैटर कहा जाता है और ये इसके अंदर जो है बेटा कोई भी जो है चार्ज नहीं होता है तो इसीलिए डार्क मैटर कहा है और साइंटिस्ट इसको पता लगाने के लिए एक डिवाइस बनाए हैं लुक्स जेपलिन जो कि साउथ डकोटा यूएस में है दुनिया की सबसे एडवांस मशीन मानी जाती है ठीक है क्या बात है ये देखिए भाई साहब भारत की शान खिलाड़ियों ने आजकल भारत के नाम को बहुत रोशन करते जा रहे हैं लगातार अर्जुन बपूटा हिट्स मार्क विंस शूटिंग गोल्ड फॉर इंडिया अर्जुन बपूटा ऑफ इंडिया वन हिज मेडन शूटिंग गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप इन साउथ कोरिया इन द फाइनल ही डिफीटेड अमेरिकन सिल्वर मेडलिस्ट लुकास कोज इनकी याद रखिएगा ये देखिएगा तो अर्जुन बपूटा एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है कौन किस खेल से हैं तो अर्जुन बबूटा ऑफ इंडिया ने जो है आई वर्ल्ड कप जीत लिया है जो कि साउथ कोरिया में हुआ है और फाइनल में अमेरिकन सिल्वर मेडलिस्ट लुकास को, जिंकी को इन्होंने हराया है तो अर्जुन वेरी गुड, है, गर्व है तो अर्जुन के बारे में टेन मीटर एयर राइफल कॉम्पिटिशन अर्जुन है इंडियन शूटिंग टीम सिंस 2016 हजार सोलह ही कंपीटेड फॉर द इंडिया एट द आईएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप सूल 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 इन 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 2016, गबाला uh, तो भाई साहब ये काफी फेमस हैं, अर्जुन बबूटा और इन्होंने जो है बेटा हमारा आई एस एस एफ का जो है इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन का जो वर्ल्ड कप है जो, जो चांग साउथ कोरिया में उसमें गोल्ड मेडल जीता है अमेरिकन को हरा कर लुकस मे को <coughs> ये देखिए भाई साहब कहते हैं ना जज्बा होना चाहिए एज इज नंबर कहा जाता है ना लोग कहते हैं तुम्हारी एज क्या है कहते हैं पचास साल कहते हैं तो बूढ़े हो गए हो नहीं एज इज जस्ट नंबर इंसान की उम्र उतनी होती है जितना वो महसूस करता है तो एज इज जस्ट नंबर सच बता रहा हूं ये देखिएगा पर्सन पर ऑफ इंटरेस्ट 94 फोर ईयर ओल्ड भगवानी भगवानी देवी डागर विंस गोल्ड इन वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप क्या बात है तो चौरानवे साल की भगवानी देवी डागर 94 फोर इन लुक एट हर यार मतलब देखिए इन्हें ठीक है यावे साल की महिला ठीक है बेटा हरियाणा की ताई क्या बात है बिल्कुल सही बात है हां जी तो भगवती देवी डागर एंड इंडियन स्प्रिंटर हु इज 94 फोर इस ओल्ड वन द गोल्ड मेडल इन द हंड्रेड मीटर स्प्रिंट एट द टेम्परी फिनलैंड वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप ठीक है भगवानी देवी फिनिश फर्स्ट इन द गोल्ड विद टाइमिंग ऑफ 24.74 सेकंड्स एंड होम इन द ठीक है गोल्डी 100 मीटर्स को 24 सेकंड में भागा इन्होंने तो 24 सेकंड में 100 मीटर्स को इन्होंने पार किया है ट्वेंटी फोर पॉइंट उसके साथ साथ ब्रॉन्स जीता है इन्होंने किसमें आपके शॉर्टपुट में जो होता नहीं घूम के फेंकते हैं हाँ जी वही शॉर्टपुट में ठीक है <coughs> भगवानी देवी डागर ठीक है सो वर्ल्ड मास्टर्स देखिएगा द वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप आर द मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेल्ड अंडर द एजेस ऑफ वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स इट इज अ वर्ल्ड चैंपियनशिप कैलिबर इवेंट फॉर द स्पोर्ट ऑफ एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड फॉर मेल एंड फीमेल एटलीस्ट एज थर्टी फाइव ईयर एंड ओवर अब आप सोचिएगा तो ये पैंतीस साल के ऊपर के लोगों के लिए होता है ठीक है

फिनलैंड आपको मालूम है एक नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्री स्कैंडिनेवियन कंट्री है और फिनलैंड की एक खासियत है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स फिनलैंड में होता है तो दुनिया का सबसे ज़्यादा जो टैक्स है ना वो फिनलैंड में है याद रखिएगा <coughs> हाँ जी <coughs> दूसरी चीज़ दुनिया का जितने भी देशों में एजुकेशन सिस्टम है ज़्यादातर फिनलैंड से ही बॉरोड है कहते हैं फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में बहुत अच्छा है अभी आपने देखा हो कुछ समय पहले दिल्ली के जो डेप्यूटी सीएम साहब हैं मनीष सिसोदिया हाँ जी वो भी फिनलैंड गए थे वहां के एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए ठीक है नेक्स्ट ये देखिएगा आरबीआई सेटअप सिस्टम टू सेटल ट्रेड इन रुपीस क्या बात है भाई ये बहुत अच्छी चीज है आपको मालूम है कि अंतरराष्ट्रीय ट्रेड जो है ना बेटा वो मेजर करेंसीज में होता है डॉलर पाउंड येन युआन ये सब जो बड़ी करेंसीज हैं अब आरबीआई ने भाई साहब एक नया मैकेनिज्म बनाया है जिससे इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो रूपीज में सेटल होगा ये भारत के लिए बहुत अच्छा है इससे जो हमारा रुपी है ना बेटा उसको जो है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगी और जल्दी ही उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा रुपी भी जो है वो इंटरनेशनल करेंसीज में बेहतर उस पर जाएगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंस्टीट्यूटेड अ मैकेनिज्म टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन रुपी विद इमीडिएट इफेक्ट

मजबूती से सामने आएगा तो काफी अच्छी चीज है याद रखिएगा इससे साथ क्या है? हाँ जी। इससे हमारे रशिया के साथ वो भी अच्छे होंगे और ट्रेड कंट्रीज ट्रेड विद कंट्री अंडर सैंक्शन। प्लस वो देश जिनके ऊपर सैक्शन लगे हैं उनसे भी हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं रुपीज में ठीक है तो काफी फायदा है ठीक है हाँ जी बहुत बढ़िया ओके तो ये हो गया भैया हाँ जी ठीक है तो आप देख सकते हैं एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स का नाउ यूज अ स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट लिंक टू द करस्पॉडेंट बैंक ऑफ द पार्टनर कंट्री फॉर रिसीव ऑफ पेमेंट ठीक है आपको मालूम है एक nostro, है वॉस्ट्रो अकाउंट होता हालांकि आपके बहुत काम का नहीं है क्योंकि ये इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के डीप टर्म वॉस्ट्रो अकाउंट वगैरह होते हैं नोस्ट्रो अकाउंट या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जो है खोले जाते हैं याद रखिएगा ठीक है तो आज का करंट अफेयर्स हो गया कैसा लगा आप जल्दी बताओ जल्दी से लाइक और शेयर कर दो यार एक बार आज का करंट अफेयर अच्छा लगा है तो जल्दी बताओ लाइक और शेयर करो फिर अब हम करेंगे क्वेश्चन बिना क्वेश्चन के सब अधूरा है बिना क्वेश्चन सब अधूरा है क्वेश्चन करने में तो बहुत मजा आएगा हाँ जी जल्दी बताइए फास्ट 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 मजेदार शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद क्या बात है चलिए क्वेश्चन किए जाए पहला क्वेश्चन नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया इनोग्रेट न्यू इंटरनेट एक्सचेंजेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हाँ जी दो इंटरनेट एक्सचेंजेस हमारे देश में हैं उड़ीसा महाराष्ट्र कर्नाटक पश्चिम बंगाल जल्दी बताइएगा बहुत बढ़िया फास्ट 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 नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने दो इंटरनेट एक्सचेंजेस बनाए हैं दो इंटरनेट एक्सचेंजेस हमारे बनाए गए हैं पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर और बर्धमान में ताकि इंटरनेट को बेहतर किया जा सके और दूसरी चीज हमारे जो है ब्रॉडबैंड सर्विसेज को और अच्छा किया जा सके ठीक है नेक्स्ट दूसरा स्टेट में हुआ इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोइेशन इट इज इनिशिएटिव दैट अलाउड स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेटर्स टू शेयर इन्फॉर्मेशन केस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इट इज इंटरपोल्स इनिशिएटिव ऑन चाइल्ड सेक्स अब्यूज ज्वाइन बाई सी बी मेकिंग इंडिया हैव इट करेक्ट हाँ जी जल्दी बताओ पूछा गया कौन सा करेक्ट नहीं है कौन सा करेक्ट नहीं है नॉट करेक्ट पूछा गया है नॉट करेक्ट मैंने करेक्ट नहीं पूछा है पहला नॉट करेक्ट पहला एक स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये इंटरपोल का इनिशिएटिव है, सीबीआई ने तो इसे ज्वाइन किया है ये गलत ये सही है तो वन ओनली ए इज द राइट आंसर नॉट करेक्ट पूछा गया है ना ए बिल्कुल सही है शाबाश नेक्स्ट <coughs> सनाटी एंड कंगाहल्ली बुद्धिस्ट साइट रिसेंटली सीन इन न्यूज आर फाउंड इन विच स्टेट सनाटी एंड कन्ना कन्नगल्ली कर्नाटक महाराष्ट्र आंध्र हरियाणा जल्दी जल्दी सनाटी और काना गनहली हाँ जी ये दोनों पाए गए हैं आपके कर्नाटक इज द राइट आंसर बहुत अच्छे शाबाश विच लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश बाई अ न्यू ए आई बेस्ड ट्रांसलेशन डिवाइस फॉर बॉर्डर फोर्सेज उर्दू बांग्ला मैंडरिन बर्मीज हाँ जी उर्दू बांग्ला मैंडरिन बर्मीज बर्मीज हाँ जी ये भी काफी अच्छी चीज आई है हमारे देश में दुनिया की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा जिसे हम कहते हैं मांडरिन मंडरिन आपको मालूम है मैंडरीन फ्रेंच स्पेनॉल अरेबिक सब बहुत ज्यादा बोली जाती हैं। रिसेंटली लक्स जेपलिन डिटेक्टर हैड डन ब्रेकिंग रिसर्च ऑफ डार्क मैटर सिचुएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कैनेडा यूएस फ्रांस जर्मनी हाँ लुक्स जेपलिन हाँ जी लक्स जेपलिन हाँ जी ये डार्क मैटर डिटेक्टर है ये आपको साउथ डकोटा में मिलेगा साउथ डकोटा कहाँ है यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमरीका हाँ जी बहुत अच्छे अर्जुन एसोसिएटेड विद फॉलोइंग गेम्स रेसलिंग आर्चरी शूटिंग फुटबॉल हाँ जी अर्जुन बबूटा हाँ जी अभी इन्होंने भाई बहुत अच्छा नाम रोशन किया है देश का रेसलिंग आर्चरी शूटिंग फुटबॉल हां जी अर्जुन बाबूटा इज एसोसिएटेड विद शूटिंग बहुत बढ़िया शाबाश द वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन विच कंट्री जहां पर हमारी चौरानवे साल की क्या बात है हरियाणा की ताई उन्होंने जितता है बहुत बढ़िया हाँ जी बिल्कुल सही है ये हुआ है <coughs> टेम्पेर में देखिए नाम ही है टेम्परे टेम्परे फिनलैंड बहुत बढ़िया नॉस्ट्रो एंड अकाउंट ज द टर्म यूज फॉर ब्लैक मनी इंटरनेशनल ट्रेड मनी लॉन्ड्रिंग या क्रिप्टो ट्रेड नॉस्ट्रो एंड वास्ट्रो अकाउंट जल्दी बताइएगा नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट के बारे में सुना होगा आपने नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट ये बेसिकली टर्म्स जो हैं आप देखेंगे ये इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत इस्तेमाल होते हैं सो so, ये हो गया भैया आज का करंट अफेयर्स हमारा डन कैसा लगा लगा सेशन सेशन जल्दी बताओ यार अब जब खत्म होने लगा, तब भीड़ बढ़ना शुरू हुई क्या बात है पहले लोगों को लग रहा था आज क्लास में नहीं लेने वाला है ना अब जब क्लास खत्म होने वाली है तब भाई साहब आ रहे हैं क्या बात है बहुत जल्दी आ गए आप लोग तो दिल खुश हो गया मेरा सेशन कैसा लगा जल्दी बताइएगा थैंक यू तो भाई साहब अगर अभी तक एम वाइफ की ऐप डाउनलोड नहीं किए फटाफट जाइए और एम वाइफ की ऐप डाउनलोड करिए क्योंकि यहां पर एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी देती है आपको ऐसी चीजें जो आज तक आपको कभी नहीं मिला आपको सारी फेमस किताबें यहां पर लाइव मिलेंगी लाखों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दे सकते हैं आप अपना टेस्ट खुद क्रिएट कर सकते हैं अपनी अचीव जर्नी बता सकते हैं मतलब वहां पर क्या होता है ना कि आप हमारे ए आई बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो वो बताएगा कि आपकी एग्जाम में नंबर इतने आए हैं लेकिन आपका पोटेंशियल यहां तक जाने के लिए वो जज कर लेता है कि आपका पोटेंशियल कितना है आपने जो अटेम्प्ट किया है सोच समझ के किया है या तुक्का मारा है जल्दी किया है लेट किया है हर चीज को वो जज करता है तो एम बाइफ की ऐप मैंडेटरी ऐप है सभी के लिए जो एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फटाफट जाइए और एम बाइफ की ऐप को आज ही डाउनलोड करें आप लोग के जितने भी डाउट्स होते हैं डाउट क्लियरेंस के लिए हमने एक व्हाट्सएप फीचर इस्तेमाल किया है और व्हाट्सएप फीचर को आप क्या कर सकते हैं सीधे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है उस पर आप जाइए डबाइए और अपना व्हाट्सएप डाउट सीधे क्लियर करिए प्रतीक जी बहुत बढ़िया जी थैंक यू पंकज थैंक यू पूजा गुड्डी झा प्रतीक पंकज मिहिर वसुधा सुप्रिया धनंजय सतनाम प्रतीक गौरव अमित निहाल शैलेश पूजा निहाल प्रतीक सुप्रिया सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अमित कुमार सिंह चलिए हैव अस डे डू टेक केयर ऑफ एसेल्स मिलते हैं कल जय हिंद जय भारत एंड वंदे मातरम Keep imbibing. We believe in you.